अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद रबिया। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल फ्रूट केक, वो भी अमन के बगैर। इसे हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 कप ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है। इसके साथ मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 पिंच लिया है फूड कलर। घी लिया है मैंने 1/3 कप, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी। क्योड़ा वाटर लिया है मैंने, आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। किशमिश मैंने ली है और बादाम, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक जग लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 अदद अंडे और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसे ब्लेंड करेंगे। बगैर अवन और बीटर के हम बनाएंगे केक। अच्छी तरह हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो अंडे हमारे अच्छे से बीट हो गए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई चीनी और अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर लेंगे। अंडे और चीनी अच्छी तरह बीट हो गई है। अब मैंने एक बाउल लिया है और एक छलनी ली है, मैदे को हम सीव कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा केक बहुत ही फ्लफी बनेगा। मैदे को सीव करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 पिंच इसमें फूड कलर जाएगा, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए मैंने डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क होता है। हमारे जो केक को फ्लफी करता है वो बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर से हमारा केक फ्लफी होगा। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी, आप ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। एक दफा इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने चीनी और अंडे बीट किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। जो हमने फूड कलर ऐड किया था उससे हमारे मिक्सचर का कलर चेंज हो गया है। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को मैंने अच्छी तरह धो लिया था ताकि इसमें से डस्ट पार्टिकल्स खत्म हो जाएं। मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा तैयार है। इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योरा वाटर, आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। बेसिकली हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह इसे एक दफा मिक्स कर लेंगे, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब मैंने एक बॉक्स लिया है, आपके घर में जो भी सिल्वर या स्टील का बर्तन हो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। जो आम पेपर हम घर में यूज करते हैं वही मैंने इसके ऊपर रख दिया है। पहले मैंने मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल लगाया था, उसके ऊपर मैंने ये पेपर रख दिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने मैदा डाल दिया है ताकि बेक करने के बाद केक को हम इजीली निकाल सके। अब मिक्सर को हम मोल्ड में डाल देंगे, एक दफा इसे अच्छी तरह टैप कर देंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो खत्म हो जाएं। इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम डाल देंगे। कढ़ाई को मैंने 20 से 25 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कोशिश कीजिएगा कि आप केक बनाते वक्त कोई पुराना बर्तन यूज कीजिएगा। इसी तरह ही मैंने मोल्ड इसमें रख दिया है। अब हम इसे 40 से 45 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे बेक करेंगे।
45 से 50 मिनट हो गए हैं, केक हमारा अच्छी तरह बेक हो गया है। देखिए ये अंदर से अच्छी तरह पक गया है, अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे, पहले इसके किनारों को अलहदा कर लेंगे। अब हम इसका जो पेपर है वो रिमूव कर देंगे। देखिए बाजार से बेहतर आप केक इजीली घर में बना सकते हैं। पेपर हमने रिमूव कर लिया है, इसको हम सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह ही आप केक रस्क इजीली बना सकते हैं। लास्ट तक इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस इस तरह कटिंग करने के बाद आप इसे दोबारा 5 से 10 मिनट तक बेक करेंगे तो केक रस्क हमारे तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना फ्लफी बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।